बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इसमें आप सबको आज की जो हमारी थंबनेल भी है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया था। ये हमारी जनरल नॉलेज की अगली वीडियो, अगली कड़ी और अगली किस्त, अगली एपिसोड, तो इनके साथ आप अटैच रहिए और वीडियो को पूरा देखा करें। 4-5 मिनट की ये वीडियो होती है, इसमें मैंने आपके बहुत से कमेंट्स के जवाब भी दिए होते हैं जो मुख्तलिफ आप पूछते हो कमेंट्स में, तो इसलिए आप इसको पूरा देखा करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मालूमात मिल जाए, जनरल नॉलेज के साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएं। तो रकबा के अतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रूस है जी, रशिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबा के अतबार से आज भी, गो के इसमें से बहुत सी मुसलमान रियासतें अलग हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा मुल्क है रकबा के एतबार से। तो देखिए, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ISSB की तैयारी कर रहे हो, CSS की तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, या आप PMS की तैयारी कर रहे हो, तो इन सवालात को आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं और जब वो एग्ज़ाम करीब आए तो इसको आप देख के एक दफ़ा, तो आपकी जनरल नॉलेज की करंट इशूज़ की, करंट अफेयर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसको आप देख के चले जाएँ और आपका इम्तहान अच्छा हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार जानदार जो है वो चीता है जी, इस दुनिया पर खुश्की का जो सबसे तेज़ रफ्तार जानदार है वो चीता है। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे सुस्त रफ्तार जानदार है, जो सबसे स्लो है, वो स्लॉथ है जी। स्लॉथ ये दरख्तों पे रहता है, एक जानवर है बंदर की तरह का, लेकिन ये बहुत सुस्त होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो ये दुनिया का सबसे सुस्त रफ्तार जानवर है। तो आप जिन भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप इनके साथ, इन वीडियोस के साथ अटैच रहिए और इनसे अपनी इन्फॉर्मेशन मालूमात लेते रहिए। आपके करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज तैयार होते रहेंगे साथ साथ। तो तुर्कमानिस्तान के जो सदर हैं वो दाबीर बोरोमिडो हैं। ये तुर्कमानिस्तान के प्रेजिडेंट हैं। और इस तरह से आप इन सवालात को अपनी नोटबुक में भी तैयार करते जाएं। और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता होता हूं कि पुत्र, आप जो है वो एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लें और उस टाइम टेबल और शेड्यूल से आपने बाहर नहीं जाना किसी सूरत। उस टाइम टेबल को आपने फॉलो करना है और कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज और वर्जिश को भी अपनी ज़िंदगी में लाजमी लाएं, ताकि आप एक सेहतमंद जिस्म जो है उसी में एक सेहतमंद दिमाग होता है, ताकि आपका दिमाग भी ज़्यादा काम करे, आपका ब्लड जो है, आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपके दिमाग तक पहुंचे। तो एक्सरसाइज भी ज़रूर किया करें। तो तुर्कमानिस्तान की करेंसी का नाम है तुर्कमानी मांट, इसको कहते हैं, मांट भी कहते हैं। तो तुर्कमानी मांट जो है ये करेंसी है तुर्कमानिस्तान की। तो पाकिस्तान रेंजर्स में सबसे बड़ा रैंक है डायरेक्टर जनरल ऑफ रेंजर्स, सबसे बड़ा रेंजर का रैंक है जी, DG रेंजर्स को कहते हैं। तो इस तरह से आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हो कि सर ये बताइए कि हमने ये क्या करना है, हमने वो क्या करना है। तो पुत्र, आप अपनी ज़ात से पूछा करें सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो काम करें, ठीक है जी। कोई दूसरा आपको कैसे बता सकता है। तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जो चीज़ें आपको करने में अच्छा लगता है, आसानी होती है, आपको दिलचस्पी होती है उसमें, वो काम आप करें, या वो जॉब या वो चीज़ या वो इम्तहान आप दें जो आपकी ज़ात के इंटरेस्ट के मुतल्लिक है, उसके मुताबिक है। तो रकबा के अतबार से दुनिया का सबसे बड़ा छोटा जो मुल्क है दुनिया में वो है वेटिकन सिटी रकबा के अतबार से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। तो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर आपको ये चीज़ें देता रहता हूं ताकि आपकी आसानी हो जाए, आपके MCQs तैयार होते जाएं। तो उज़्बेकिस्तान की करेंसी का नाम है सोम, उज़्बेकिस्तान की करेंसी का नाम है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को नोट करके नोटबुक साथ साथ कंपाइल करते जाएं, तैयार करते जाएं, ताकि जो भी इम्तहान आए आप उसमें बैठ के आसानी के साथ उसको पास कर लो और अच्छी तरह से अपनी सर्विस या करियर का आगाज़ कर सको। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि मंगोलिया की करेंसी का क्या नाम है। तो मंगोलिया की करेंसी का नाम है जी मंगोलियन तुगरुग, इसको कहते हैं। तो ये मंगोलियन तुगरुग है जी मंगोलिया की करेंसी का नाम। तो इस तरह से आप इन वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं और आप अपने PCS की, PMS की, CSS की, ISSB की तैयारी आप कर सकते हो।
तो इसलिए आप इनको साथ नोट्स तैयार करते जाया करो ताकि आपके पास वो एक अल्फाज का ज़खीरा आ जाए और आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाओ आप अपनी मेमोरी को फ्रेश करके वहाँ पे आप चले जाओ। तो मंगोलिया के सदर हैं जी खलमतगीन बतुलगा मंगोलिया के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और ये वो लोग हैं मंगोलियन जिन्होंने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, यानी चंगेज़ ख़ान तातारी। तो तातारी जो थे, चंगेज़ ख़ान जो थे, इन्होंने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जब मुसलमान उरूज पर थे तो इन्होंने वहाँ पे बगदाद में ईंट से ईंट बचा दी और बहुत ज़्यादा जो ज़खीरा था हमारे पास किताबों का वो ज़ाया कर दिया। तो अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।